शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा कोई चैनल न बदले। इस शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। अगर किसी वस्तु व्यक्ति या घटना से कोई संबंध निकलता है तो याद रखना चाचा विधायक हैं हमारे। इस शो को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन अगर फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो आओ कभी हवेली पर। हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। चलो आज हम सीखेंगे कैसे चाइनीज प्रो अपने ट्रिप्स एंड ट्रिक्स कैसे प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग क्या करते हैं जिससे वो इतने ज़्यादा अच्छे है। इंडियन से बहुत अच्छे, सबको मालूम ही होगा ये चीज़, चाइनीज प्रोज के अंदर ज़्यादा एबिलिटीज है, इंडियन से ज़्यादा है। तो चलो गाइस हम सीखते हैं फटाफट, वीडियो की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं चाइनीज प्रो मूवमेंट कैसे प्रैक्टिस करते हैं हमारी। अगर चलो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। फटाफट चलते हैं मूवमेंट्स की ओर, जो देखते हैं गाइस ये लोग कैसे मूवमेंट्स प्रैक्टिस करते हैं अपनी। सुबह सुबह उठ के पहले ट्रेनिंग ग्राउंड में ये सब प्रैक्टिस करने का चाहिए गाइस आप लोग को भी, इससे अपनी मूवमेंट फास्ट होती है, अच्छी होती है। और जितना अपनी मिस्टेक हो जाती है मूवमेंट में बहुत बार, और उसके वजह से हम मर जाते हैं, स्नाइप वाइप हो जाते हैं, मूवमेंट की वजह से होता है हमारा मेनली। सो मूवमेंट मेन प्रैक्टिस करनी चाहिए, सबसे मेन चीज़ ये है, प्रैक्टिस चालू इसी से करनी चाहिए। चलो गाइस फिर देखते हैं हम यहाँ पे अपने रिफ्लेक्स और स्प्रे ट्रांसफर वाली प्रैक्टिस करते हैं। देखो रिफ्लेक्स में बहुत सारी चीज़ें हम काम आ सकते हैं, जैसे कि 1v4 फाइट हो जाए, 1v3 फाइट हो जाए, तो हमें मेन रिफ्लेक्स और स्प्रे ट्रांसफर ही काम आता है। ये सब बंदों पर एम रखना पड़ता है हमें, तो देखो वो किस प्रैक्टिस करते हैं ये लोग। देखो एक एक टारगेट को पकड़ पड़ता है मारते, एक लेफ्ट एक राइट, ताकि जब बंदे अलग अलग साइड से तो मार सके हमें, रिफ्लेक्स याद हो हमें। हमारा हाथ बैठ जाता है, फिर एक बार रिफ्लेक्स हो जाए हमारा हाथ बैठ जाएगा, तो कितने बंदे सामने आ जाए, दो 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 तीन तीन बंदे एक साथ गिर सकते हैं ये लोग। चलो गाइस फिर बढ़ते हैं हम स्नाइपिंग की ओर, अब देखते हैं ये लोग स्नाइपिंग कैसे प्रैक्टिस करते हैं। हम ऊपर पहाड़ जो होता है ट्रेनिंग रूम में पीछे, उसके ऊपर चढ़ जाने का, फिर वहाँ से बैठ के स्नाइपिंग प्रैक्टिस करने का, क्योंकि स्नाइपिंग क्लोज में तो करते नहीं हम, दूरी करनी पड़ती है स्नाइपिंग। तो यहाँ से आराम से 300 मीटर प्रैक्टिस कर सकते हैं, 300 मीटर काफ़ी एडवांटेज हो जाएगा ये हिल्स प्रैक्टिस करिए अपने, तो क्योंकि क्लोज में स्नाइपिंग करते नहीं हम। और शॉर्ट डिस्टेंस की प्रैक्टिस करनी होगा इसमें, अगले वीडियो में बताऊँगा आपको, इसे सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलो बढ़ते आगे अपनी दूसरी प्रैक्टिस की ओर, देखते स्प्रेस कैसे प्रैक्टिस करते हैं ये लोग लॉन्ग रेंज स्प्रेस। देखो भाई जो पहाड़ के ऊपर ही गए वहीं पर M4 भी लेकर जाने की, बिना अटैचमेंट्स की प्रैक्टिस करने की, क्योंकि अपने को फिर जब अपने क्लासिक में अटैचमेंट मिल जाए या कस्टम में अटैचमेंट मिल जाए तो अपना स्प्रे और ज़्यादा अच्छा हो सकता है फिर से। जब प्रैक्टिस किया हो ट्रेनिंग में तब अटैचमेंट से हटा देने की, यहाँ से आराम से अपने स्प्रे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्लोज में अगर 100-100 मीटर में स्प्रे प्रैक्टिस करना है तो उसकी वीडियो में जो डालूंगा अगले में वो जरूर देखना, क्योंकि चाइनीज प्लेयर्स के ऊपर ही होगी पार्ट 2, ये पार्ट 1 है आज हमारा। We'll be right back.
चलो गाइस मिलते हैं अभी अगले वीडियो में हमारे, उसमें कुछ अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स लाइक हम चाइनीज प्रो के बारे में और कैसे खेलते हैं, क्या अच्छा अच्छा करते हैं ये लोग। बाय गाइस, लाइक करना, शेयर करना है ना मेरा भाई, और सब्सक्राइब भी जरा याद से कर देना, मेरी ये गुजारिश है।